दोस्तों, कभी सुना है एक ऐसी झील के बारे में जो पानी से नहीं, रहस्यों और कंकालों से भरी है? मैं बात कर रही हूं रूपकुंड झील की, जो हिमालय में बसी है और कंकाल झील के नाम से मशहूर है। अब ये डरावना नाम क्यों? मेरे साथ अगले 2 मिनट तक जुड़े रहो और इसके खौफनाक रहस्यों में गोता लगाते हैं। रूपकुंड झील 5000 मीटर से भी ऊंची है और जितनी दूर है उतनी ही रहस्यमयी। हर साल जब बर्फ पिघलती है तो झील में से सैकड़ों लोगों की हड्डियां निकलती हैं। बहुत समय तक किसी को नहीं पता था कि ये कौन थे और यहां क्यों थे। माना जाता है कि ये कंकाल 9वीं सदी के हैं। जरा सोचिए, सदियों पुराने शोध बताते हैं कि ये तीर्थयात्री थे जो एक जानलेवा ओलावृष्टि में फंस गए। जी हाँ, क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले। अब ये तो मरने का बहुत बुरा तरीका है, लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। इन हड्डियों के इर्द गिर्द कई कहानियां हैं। कोई महामारी बताता है तो कोई पूजा में गड़बड़ी। हर कहानी इस दास्तां में एक नया मोड़ लाती है ना? ये एक मिस्ट्री नॉवेल का परफेक्ट प्लॉट। हर साल एडवेंचर चाहने वाले और वैज्ञानिक इस झील की तरफ खींचे चले आते हैं, सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि इन पुरानी हड्डियों की कहानी को जोड़ने के लिए। ये ऐसा है जैसे हर कंकाल इतिहास की एक पहेली है, जो बीते हुए कल के बड़े चित्र में अपनी जगह ढूंढ रही है। तो अगर आपको रहस्यों को सुलझाना पसंद है तो रूपकुंड झील एक ऐसी जगह है जो आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकती है। लेकिन याद रखना, ये सफर जितना रहस्यमयी है उतना ही मुश्किल भी। क्या आप अपना बैग पैक करके एक प्राचीन रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं? आज मेरे साथ कंकाल झील के रहस्य में डूबने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुनिया भर की और रहस्यमयी कहानियों के लिए।